और कवर्धा में राशन दुकान दिलाने के लिए पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर पर 40,000 लेने का आरोप है। नगर पंचायत अध्यक्ष पांडा तराई के जरिए लेन देन का आरोप है, जिसको लेकर पीड़ित रफीक खान ने थाने में शिकायत की। बता दें कि ग्राम मझोली में राशन दुकान दिलाने का मामला सामने आया, तो वहीं अब सोशल मीडिया में लेन देन संबंधित ऑडियो वायरल हो रहा है। हालांकि स्वराज एक्सप्रेस इस वायरल वीडियो ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है और अब तक ना दुकान मिली और ना ही पैसा मिला। पांडा तराई थाने के ग्राम मंझोली का पूरा मामला है। सोसाइटी के लिए पैसा दिए थे, किनको? फिरोज को दिए थे, विधायक के लिए, विधायक को देने के लिए। तो विधायक को दे दिया और बात भी किया और बोला पैसा पा गई हूँ कर। सोसाइटी कहाँ बनना है, कहाँ कहाँ के लिए सोसाइटी? मंझोली सोसाइटी। मंझोली सोसाइटी, तो फिर उसके बाद फिर क्या हुआ यहाँ आने के बाद? उसके बाद फिर वो मेरा काम ही नहीं किया, बीच में रिपोर्ट करके चला गया था। फिर बाद में बोला मैं तुम्हारा काम 2-3 दिन में कर दूंगी, अभी वापस ले लो करके। साहब भी बोले, तो मैं कहा चलो भाई कर लो ऐसा करके। मैं बोला फिर वापस ले लिया था बीच में। उसके बाद फिर तो उसके बाद भी नहीं किया, टाइम भी नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर राहत बीते